हमारे पेट में रसौलिया था और पेट में काफी दर्द था, तो उसमें हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। 3 साल हो गए, 3 साल के बाद रसौलिया भी नहीं ठीक हुआ। बस उसमें हमारे परमेश्वर में आए, पहले पहले परमेश्वर में आए, हमने परमेश्वर का आशीर्वाद लिए हुए, परमेश्वर का हमने पिता परमेश्वर का हमने प्रार्थना करा, पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रार्थना करा। जब से हमने पिता परमेश्वर का और हमारी रसोलिया ख़त्म हो रहे गिर गई और हमारी पथरिया भी गायब हो गई। और ये कौर गवाही है, हमारी बंदा लड़ाई झगड़ा बहुत करता था, नहीं हमको बुलाने को चाहता था, हमको उस जो इंस्पेक्टर हैंगे उसमें तिलाक बोल दिया था, कहते मैं तुझको नहीं ले जाऊंगा, तेरे माँ डैडी कोई नहीं है, तुझको कोई नहीं लेते, तेरे होते हैं बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। तो आज वो बुलाने के लिए तैयार है और आज कहता है मैं अब ऐसे बात नहीं कहूँगा, मेरे साथ चलो। ये गवाही तो ये लिखा हुआ है, इनके पथरी थी, रसौली थी, काला पीलिया था और घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। जब से चर्च में आई, प्रार्थना करवाई, तब से परमेश्वर मसीह जी ने इन्हें चंगा किया। तो रसौली भी थी और पथरी भी थी, रसौली भी थी, पथरी भी थी। तो आपको कैसे पता चला था रसौली है पथरी है? हाँ, ऊंची आवाज में बोलो कि तुमने कभी कभी नहीं ठीक हो गए। डॉक्टर ने बताया था कि पथरी है। हाँ, पथरी है, रसौली भी, रसौली भी है, तू कभी नहीं ठीक होगी। तो काला पीलिया कब कैसे पता चला आपको? काला पीलिया जब ये निकल गया, परमेश्वर ने हमने 3 दिन रोजा धरे। हाँ, नहीं पता कैसे चला भी आपको काला पीलिया? हमने वो डॉक्टर ने बताया, चेक किया कि इसको पथरी भी है, रसौली भी है। तो इसे जब इसे माँ भी ये नहीं बन पाएगी, इसमें जो निकालना पड़ेगा, इसे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या हमने नहीं करेंगे, हमने परमेश्वर का बच्चेदानी में रसौली थी, बच्चेदानी में रसौली थी। ओके, तो इस कारण से आपका घर वाला भी आपसे झगड़ा करता था? हाँ, झगड़ा करता था, तिलाक बोल दिया था थाने में कि इसको मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं दूसरी शादी करने जाता हूँ। पुलिस में बोल दिया था कि मैं दूसरी शादी करूंगा, मैं इसको नहीं लेकर जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। Okay. तो अब वो आपको लेकर जाने के लिए तैयार है? आज वो लेके जाने के लिए तैयार है। Okay. आज दिन तो फिर प्रार्थना के द्वारा वो जो थी रसौली थी वो निकली, वो निकल गई और प्रार्थना से पथरी निकली, निकल गई। ओके, पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। ये पंजाब से आए हैं और इस बेटी के पथरी भी थी और बच्चेदानी में रसौली थी, कालिया पीलिया था और इसके पति कहते थे कि संतान नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर रसौली है, अगर उसका ऑपरेशन करेंगे तो उसके बाद संतान नहीं होगी। और इस कारण से ये बहुत दुखी थे, परेशान थे, लेकिन परमेश्वर मसीह जी ने इन्हें चंगा किया, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं।